Hello students, this is Akanksha Mishra. I hope you all are doing really good. So today is the date 1st December, and if you remember, we were doing the lesson 17, Environment Pollution, in the last class. So we were discussing that chapter, okay? And now in the today's class, we are going to discontinue that chapter. Aaj ki class mein hum land pollution ke aage ka part cover karenge, chapter number 17, okay? So let's start. In the last class, we discussed that pollution, what is pollution. So in the harmful, okay, in the useful things, if you just mix the harmful elements, that is going to be known as the pollution. That is called pollution. Agar aap kisi useful thing mein, kisi pure cheez mein kuch harmful elements add kar do, mix kar do, so wo polluted ho jati hai. Okay, so next thing we talked about the types of pollution. So कितने types थे pollution के? Land, water, air. Land के बारे में हमने बात की थी last class में. Land pollution कैसे हो सकता है और क्या है? So आप अगर soil में ऐसे कुछ unwanted elements मिला दो जो कि उसे pollute कर दे, so गंदा कर दे, dirty बना दे, so that is going to be the land pollution. Okay? Now come and discuss the water pollution. That what is basically the water pollution? So water pollution, just like the land pollution you study, water pollution is the basically something which is in which we basically, if what we do here, कि अगर आप कोई शुद्ध पानी या प्योर पानी है, ओके, अगर आप उसमें अनवांटेड एलिमेंट्स या गंदा पानी मिला दो, सो क्या होगा? वाटर पॉल्यूट हो जाएगा. सो दैट्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन. ओके, सो मिक्सिंग ऑफ डर्टी, मिक्सिंग ऑफ डर्टी अनवांटेड, mixing of dirty unwanted elements in the what? In the water, okay, is called water pollution. Water bodies is called water pollution. ओके, देखो कोई भी आप वाटर बॉडी है, फिर वो रिवर हो, वो लेक हो, ओके, वाटरफॉल, आपका पॉन्ड हो, ओके, ओशियन हो, कहीं भी अगर आपका डर्टी वो हो रहा है, आपका कोई भी वाटर बॉडी और कोई भी अनवांटेड एनिमल एलिमेंट उसमें ऐड हो रहा है या मिक्स हो रहा है, सो आपके वाटर को क्या करेगा? वो गंदा बना देगा, जैसे कि हमारा वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा. अभी सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप नदियों का ले सकते हो. Everywhere in our country, we are like where the Ganga flows, we are going with the program कि हमें अपना जो भी हमारी गवर्नमेंट है वो प्रोग्राम चला रही है कि गंगा को क्लीन करना है, जो हमारी गंगा रिवर है उन्हें क्लीन करना है उसे. सो नाउ इफ यू विल सी, पीपल आर यूजिंग इट फॉर द बाथ, लोग वहाँ कपड़े धुल रहे हैं नदियों के किनारे, लोग जो भी अपने जानवर है, कहीं तालाब है उनके, वहाँ पे जानवरों को नहला रहे हैं. सो क्या वो पानी पीने लायक रह जाएगा? क्या वो वाटर प्योर रह जाएगा? सो नो, दैट इज नॉट गोइंग टू बी प्योर, राइट? सो दैट्स व्हाई वी हैव टू बी केयरफुल दैट वी डोंट पॉल्यूट द वाटर. दिस इज हाउ वी बेसिकली वी आर पॉल्यूटिंग अवर, ओके, वाटर और वाटर बॉडीज. नाउ व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस? लेट्स सी. What are the reason? कैसे, किन कारणों से हम अपने वाटर को या वाटर बॉडीज को पॉल्यूट कर रहे हैं? लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो फर्स्ट थिंग है हमारा, लाइक इट इज वेरी रिलेटेबल, आपके बाथरूम, ओके, किचन, आपके बाथरूम एंड किचन, बाथरूम एंड किचन से जो भी वाटर यूज हुआ है या जो भी वाटर, डर्टी वाटर वो निकलता है, वो क्या होता है? नालियों में जाता है, ओके. अगर
आप इन्हें नालियों में बहा देते हैं बिना ट्रीटमेंट के, ये रिवर में बिना ट्रीटमेंट प्लांट्स के ये रिवर में बहा दिया जाता है। सो ये गंदा पानी रिवर में जाके मिला जिससे कि हमारा वाटर पॉल्यूट हो गया। नाउ कैन यू ड्रिंक दैट वाटर, उस रिवर का पानी क्या आप पी सकते हो? नहीं। सो दैट्स द फर्स्ट रीजन वी आर डूइंग द वाटर पॉल्यूशन। नाउ द सेकेंड थिंग इज सेइंग द डर्टी वाटर दैट कम्स आउट ऑफ द फैक्ट्रीज okay has many harmful chemicals. The waste water from the factories goes into river and making it dirty. Jo bhi aapke factories hain, वहां से जो निकलने वाले गंदे जो पानी होते हैं, जो भी केमिकल से मिले हुए जो पानी होते हैं, वो निकल के कहां जाके मिलते हैं? केमिकल मिले हुए पानी निकल करके जाके आपके नदियों में मिलते हैं। उससे क्या होता है, अगर वो नदियों में जाके मिल जाएंगे उसके बाद क्या होंगे, वो हमारे रिवर को पॉल्यूट कर देंगे। ओके, नाउ द थर्ड थिंग इज सॉल्ट एंड अदर सस्पेंडेड सॉल्ट्स, जो भी ऐसी चीजें हैं, ओके, फिर वो नमक का सॉल्ट पोर्शन हो या ऐसा कुछ भी वेस्टेज है, ऐसा कुछ भी एलिमेंट है या खराब चीजें हैं, निष्कासित चीजें हैं जो कि हमारे यूज की नहीं है, लोग नदियों में बहा दे रहे हैं, नदियों में फेंक दे रहे हैं, ये क्या करता है नदियों को, ये नदी के पानी को गंदा कर देता है। सो जिससे वाटर पॉल्यूशन होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रिलीजियस एक्टिविटीज। ओके, रिलीजियस एक्टिविटीज, अब रिलीजियस एक्टिविटीज हमारे यहाँ पे लाइक मूर्तियों को नदियों में बहा दिया जाता है। ओके, मूर्तियों को नदियों में बहाना और जो भी हमारे यहाँ पे दाह संस्कार होता है उसके बाद जो राख होती है उस ऐश को, उसे भी नदियों में बहा दिया जाता है। इससे कि क्या होता है, हमारी जो रिवर है वो दूषित हो जाती है, पॉल्यूटेड हो जाती है। ओके, दीज आर वेरी वेरी सेंसिटिव थिंग्स, बट वी हैव टू बी केयरफुल बिकॉज फ्यूचर के लिए, हमारे अर्थ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन सब बातों का ध्यान रखकर आगे बढ़ें। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ वेयर नियर द रिवर। ओके, वॉशिंग क्लोथ्स इन रिवर, अगर हम कपड़े धुल रहे हैं, नहा रहे हैं नदियों में, सो वो क्या करेगा, वो नदियों के पानी को गंदा कर देगा, जिससे कि क्या होगा, हमारा वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा, वो नदी गंदी हो जाएगी, फिर वहाँ पे बैक्टीरियाज होंगे, जर्म्स होंगे, वो गंदी होने के बाद बीमारियों का कारण बनेगी, ना कि वो लोगों को पानी देगी। ओके, सो दिस इज द रीजन फॉर द वाटर पॉल्यूशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर पॉल्यूशन। So the other thing is air pollution. Okay? Air pollution. अब air pollution कैसे हो सकता है? Mixing of dirty unwanted elements. See, आपने land pollution का देखा, mixing of dirty unwanted elements in the soil, मिट्टियों में मिलना, and then water, आपकी water bodies में गंदे एलिमेंट्स का मिलना, एंड देन द एयर पॉल्यूशन, अगर आपकी हवा प्योर नहीं है, आपके आसपास जहां आप रह रहे हो आपकी वहां की हवा प्योर नहीं है, सो दैट इज एयर पॉल्यूशन। सो मिक्सिंग ऑफ डर्टी अनवांटेड elements in the air. Okay? हवा में गंदी अनचाही या हानिकारक तत्वों का, चीजों का मिलना, ओके, वो क्या करेगा, वो हमारे एयर को पॉल्यूट कर देगा।
ना। सो ये हमने बात की एयर पॉल्यूशन की, अब रीजंस क्या हो सकते हैं एयर पॉल्यूशन के, लेट्स टॉक अबाउट दैट कि क्या किन कारणों से हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। सो रीजंस, सबसे पहले हम बात कर सकते हैं स्मोक, फ्रॉम व्हेनेवर स्मोक, फ्रॉम व्हेनेवर वी बर्न समथिंग, हम जब भी कुछ जलाते हैं सो उससे धुआं उठता है, स्मोक मींस धुआं। ओके, बसेस कार, ओके बसेस कार ट्रक्स, ओके जब भी कुछ चलते हैं एंड अदर लाइक कोई भी ऐसी, जब भी आप व्हीकल यूज कर रहे हो कुछ भी, तो उन्हें चलने के लिए क्या चाहिए होता है, उन्हें चलने के लिए क्या होता है, पेट्रोल डीजल ऐसी एनर्जीज चाहिए होती है। सो आप जब भी पेट्रोल डीजल ये जलेंगे उनसे क्या निकलेगा, स्मोक। सो द थिंग्स विच वी आर यूजिंग फॉर द व्हीकल्स, उनसे स्मोक निकल रहा है। अब ये स्मोक क्या होगा कि एयर में मिक्स हो जाएगा, ये हमारे एयर को क्या कर देगा, ये हमारे एयर को पॉल्यूट कर देगा। ओके, सो हार्मफुल, सो द हार्मफुल गैसेस फ्रॉम वेयर, फ्रॉम व्हीकल्स। द नेक्स्ट इज व्हाट, ओके बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, एज आई गिव यू द एग्जांपल, ओके इन द लास्ट क्लास आई गिव दिस बर्निंग ऑफ क्रैकर्स एंड गार्बेज। अब बहुत लोग कूड़ों को इकट्ठे करके अपनी कॉलोनीज में बहुत लोग करते हैं, कूड़ों को इकट्ठा किया, कूड़ा करकर सब कुछ इकट्ठा किया, उसे जला दिया, वो जलता है, धुआं निकल रहा है, स्मेल आती है, सो उन सब चीजों से भी क्या निकलेगा, धुआं, एंड हमारा क्या होगा, हमारा जो एयर है वो पॉल्यूट हो जाएगा। सो बर्निंग क्रैकर्स, पटाखे जलाते हैं, उससे भी धुआं निकलता है जो कि हमारा एयर पॉल्यूट कर देता है। जस्ट लाइक यू आर you can hear the news right now that in Delhi many schools are closed because of this pollution, क्योंकि दिवाली पे बहुत सारे crackers चले हैं, and after that the air get already the level and the purity was not there which was needed, and then हमारा जो air था वो और pollute हो गया crackers की वजह से, and then उससे क्या हुआ कि schools भी बंद करने पड़े। So that's the thing we have to face if we will not be responsible for the thing which we have to do. Okay, now the burning of crackers and garbage, sirf crackers nahi garbage bhi hum jala. Okay, now come to the next part. नेक्स्ट इज एक्सीडेंटल फायर एंड फॉरेस्ट फायर, जब भी जंगलों में आग लग जाती है या गलती से कहीं किसी दुकानों में आग लग गई, घरों में आग लग गई, उनसे क्या होता है कि धुआं निकलता है, उससे क्या होगा वो एयर में मिक्स हो जाएगा और फिर वो एयर को पॉल्यूट कर देगा। राइट, सो फायर्स, ओके फिर वो फॉरेस्ट का फायर हो या गलती से लगी आग हो, ओके कहीं पे भी। नाउ मिलिट्री यूज ऑफ वेपन्स एंड रॉकेटरी, As I told you, कि हमारे साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, बट वी हैव टू थिंक अबाउट आवर अर्थ ऑल्सो। नाउ सो मिलिट्री यूज ऑफ वेपन्स एंड रॉकेटरी, जो भी हमारा मिलिट्री में यूज होता है वेपन्स, जो भी हमारे वेपन्स यूज कर रहे हैं वो, ओके एंड नॉट ओनली द मिलिट्री इज यूजिंग दिस टू सेफ टू नो कीप योर कंट्री सेफ। नाउ यू कैन हियर द न्यूज फ्रॉम मेनी कंट्रीज, दे आर फेसिंग द टेररिज्म थिंग एंड एवरीथिंग, एनी प्रॉब्लम्स, दीज प्रॉब्लम्स यू कैन हर्ड ऑफ द बॉम्ब ब्लास्ट एंड एवरीथिंग, वेयर बेसिकली व्हाट हैपेंस, वहाँ पे आग लगती है, देन क्या होता है उससे स्मोक निकलता है, वो भी वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। दैट इज नॉट डेंजर फॉर द ह्यूमन लाइफ, द टेररिज्म एंड ऑल्सो इट इज नॉट गुड फॉर आवर द अर्थ ऑल्सो। ओके सो वी हैव टू बी केयरफुल फॉर दिस, एंड देन रॉकेटरी, दीज थिंग्स आर ऑल्सो रॉकेटरी। ओके नाउ इन सबसे भी क्या होता है, हमारे एयर पॉल्यूट होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, first to
लास्ट क्लास हमने रीयूज 3 आर्स की बात की थी, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल। अगर हम उन्हें अप्लाई नहीं करेंगे, फैक्ट्रीज जो है वो अपने मैन्युफैक्चर करेंगी चीजें, उन्हें सेल करनी है, वो अवेलेबल करेंगी लोगों के लिए क्योंकि लोगों को वो चाहिए, एंड देन अगर वो कोई चीज बनाएंगी अगर स्मोक निकलता है उससे तो ये क्या करेगा, वो एयर को पॉल्यूट करेगा। और अगर वो कुछ ऐसा चीज कुछ जो भी चीजें बना रही है जिनसे कि नदियों में जा रहा है वो वेस्टेज और कचरा या जो भी अवशिष्ट पदार्थ है, सो हमारे वाटर को पॉल्यूट करेगा। सो दैट इज बेसिकली वी हैव टू थिंक अबाउट दैट हाउ वी आर लिविंग आर लाइफ एंड हाउ वी आर सेविंग आर एनवायरमेंट। ओके, नाउ दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड टुडे द वाटर पॉल्यूशन एंड द एयर पॉल्यूशन। Okay, now let's talk about the ways to reduce pollution. कौन से तरीके हैं जिन्हें अपना करके हम अपनी जो पॉल्यूशन है उन्हें कम कर सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू लीव एक हेल्दी लाइफ बिताने के लिए और अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए हमें जो पॉल्यूशन है उसे कम करना होगा। ओके, एंड वी नीड टू फॉलो, हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे जो कि हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस ला सकता है। अब कि कौन कौन से मेजर्स हैं जो हमें अपनाने चाहिए, जिन्हें फॉलो करना चाहिए। सो द फर्स्ट इज CNG, एंड LPG व्हीकल्स को यूज करें, ऐसे व्हीकल्स जिनमें CNG एंड LPG यूज हो, पेट्रोल एंड डीजल के अलावा ये चीजें यूज करना स्टार्ट करना चाहिए। सो CNG, the full form is this of the CNG is compressed natural gas, which is very good for our environment. Okay, इससे कोई pollution नहीं निकलता, इससे कोई pollution नहीं होता, air pollution की कोई chances नहीं होते। Okay, दिल्ली में आपने autos देखे होंगे जो कि CNG के थ्रू चलते हैं, so हमें ऐसे ही चीजों को promote करना चाहिए। The next thing is plant जितना ज्यादा हो सके पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, जिससे हार्मफुल गैसेस जो होती हैं वो जो हमारे यहाँ पे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या होते हैं कि प्लांट्स वो अपने खाना बनाने के लिए यूज कर लेते हैं, वो अपने खाने को बनाने के लिए प्लांट्स यूज कर लेते हैं एंड वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जितनी वो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे उतना ह्यूमन लाइफ के लिए अच्छा होगा। सो इस तरीके से हमारा जो पॉल्यूशन होगा वो एयर पॉल्यूशन कम होगा, एंड जितने प्लांट्स होंगे उतनी ज्यादा सॉइल इरोजन कम होगी, मिट्टी को जकड़ के रखेंगे, लैंड पॉल्यूशन कम होगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज क्लीन द वेस्ट फ्रॉम द आवर होम एंड फैक्ट्रीज, लेटिंग इट फ्लो इनटू वाटर बॉडीज। सो जब भी लेट्स सी दिस, क्लीन द वेस्ट, आई विल डिस्कस इट फ्यू सेकंड्स नाउ। जब भी आपका कोई कचरा या फिर गंदा पानी या ऐसा कुछ भी निकल रहा है और उन्हें नदियों में बहाया जा रहा है, उसको निकाल बहाने से पहले आप उसे साफ कर लीजिए। ओके, आप उसमें से हार्मफुल सब्सटेंस को निकाल दीजिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में डाल के आप पानी, गंदे पानी को उसमें से हार्मफुल सब्सटेंस निकाल दीजिए, तब उसे आप नदियों में बहाइए, उसे डायरेक्टली नदियों में ना बहाइए। ओके, नेक्स्ट थिंग रीयूज एंड रिसाइकल प्रोडक्ट्स, पॉलीथिन बैग्स की जगह क्लोथ बैग्स का यूज करिए। ओके, ऐसी चीजों को यूज करिए जो रिसाइकल्ड होके आ रही है। ओके, जिससे कि आप वापस फैक्ट्रीज के पास नई चीजें बनने ना जाए, जिससे कि वेस्ट ना निकले और उसके बाद ट्रीज कम कट हो और उससे हमारा पॉल्यूशन भी कम हो। सो रीयूज एंड रिसाइकल। द नेक्स्ट इज जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज हैं उन्हें हम रिमोट एरियाज में शिफ्ट करें। सो फैक्ट्रीज क्या करें, फैक्ट्रीज इन
रिमोट एरिया, जो दूर के स्थान आते हैं, जहाँ पे घर ना हो, जहाँ पे पॉपुलेशन लीव ना करती हो, उन जगहों पे उनको रखें, इनको फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को, जिससे कि लोग अफेक्ट ना हो। रिलीजियस रिचुअल्स, ओके, जो भी रिलीजियस रिचुअल्स हम फॉलो कर रहे हैं, फिर वो हमारी अस्थियाँ या राख को फेंकना हो, मूर्तियों को फेंकना हो, उन्हें भी हम बंद करें। ओके, रिलीजियस एक्टिविटीज, ओके, नॉट अलाउड, इन्हें भी हम बंद करें। सो इस तरीके से वी हैव कंप्लीट द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 17। वी टॉक्ड अबाउट द वाटर पॉल्यूशन, air pollution, then we talked about how we can reduce the pollution. Okay, in the next class we are going to talk about the exercises. We will complete the exercises of this chapter. Thank you.